वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन. टुडे वी विल टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट. लास्ट क्लासेस में अपनों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट. आज अपने बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे एक टेबल यूज करेंगे जो मैंने पहले बनाई थी. देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0, इधर की तरफ आ जाएगा +1, इधर की तरफ +2, इधर की तरफ आ जाएगा +3, इधर की तरफ मैंने कर दिया +4, इधर की तरफ आ जाएगा +6, +5, ठीक है. आगे देखो अपने इधर आ जाएगा -1, -2, इधर की तरफ आ जाएगा -3, -4, -5, -6, ठीक है. यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है. सबसे पहले अगर ऑक्सीडेशन नंबर, वैसे अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे अपने. वैसे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, चार्ज ऑन एटम या स्पीसीज पे जो चार्जेज होते हैं, नंबर ऑफ चार्जेज, उसको अपने क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर. नेक्स्ट टॉपिक वैसे ऑक्सीडेशन नंबर अपने पढ़ेंगे. लास्ट क्लासेस में अपनों ने ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा था. ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट होता क्या है. वी नो दैट ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये अपनों ने स्टडी किया था. मगर आज अपनी डिफाइन करेंगे भाई ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए हैं. उस कॉन्सेप्ट का यूज करने से पहले एक चीज देखो, यहां से अगर मैं यहां से यहां तक ले जाता हूं, आगे क्या बात समझ में, यहां से ले जाता हूं, तो देखो अपने को मैंने तुम्हें बताया था इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन कैसे, लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन मैंने तुम्हें बताया था. प्लस वन का मतलब लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, प्लस टू का मतलब लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, प्लस थ्री का मतलब लॉस ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन, प्लस फोर का मतलब लॉस ऑफ फोर इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे माइनस वन का मतलब वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. माइनस टू का मीन्स क्या हो जाएगा, गेन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन या टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. माइनस थ्री का मीन्स हो गया थ्री एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था मूविंग डाउन टू अप क्या होता है, ऑक्सीडेशन. अगर मैं नंबर की बात करूं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, मैथमेटिक्स में आ जाओ थोड़ा सा, नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज्ड, तो बताओ क्या हो जाएगा. इधर से इधर जाएंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस या डिक्रीजेस, देखो ध्यान से, इंक्रीजेस. ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस. अब देखो यहां से अपने अगर मूविंग अप टू डाउन, वी नो दैट मूविंग अप टू डाउन इज कॉल्ड रिडक्शन. एरो ढंग से बना लेते हैं थोड़ा, फिर कहोगे सर टेढ़ा चला गया. मूविंग अप टू डाउन क्या हो जाएगा, रिडक्शन. थोड़ा सा बेसिक देख लेना इस चैप्टर का, पूरा रूट यही है चैप्टर का, आगे वाले टॉपिक बहुत ही सिंपल हो जाएंगे, ये थोड़ा बेसिक समझते रहे. यहाँ पे देखो अपने क्या आ जाएगा, यहाँ पे नंबर इंक्रीज्ड हो रहे हैं या डिक्रीज्ड, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज्ड, तो क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज. ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज्ड, एनी प्रॉब्लम. अब अपने डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन को भाई, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट. तो क्या आ जाएगा देखो, सबसे पहले आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपनों ने पढ़ा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आज अपने पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट. तो क्या हो जाएगा, इट इज अ रिएक्शन इन विच an oxidation number, it is a reaction in which oxidation number an element and molecule ion is decreased, is increased, it's called oxidation. कहने का मतलब oxidation number increase हो किसी ion का, किसी molecule का, किसी element का,
तो उसको अपने क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो डिफाइन कर रहे हैं अपने भाई ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। तो देखो अपने क्या आ जाएगा, इट इज ए रिएक्शन इन विच इट इज रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट मॉलिक्यूल आयन किसकी बात कर रहे हैं अपने, ऑक्सीडेशन नंबर की। इट इज ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट आयन और मॉलिक्यूल इज इंक्रीजेस। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, इंक्रीज हो। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइंड वही एग्जांपल आ जाएंगे, बस इलेक्ट्रॉन शो नहीं करेंगे। मैंने तुम्हें कल बताई थी क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो भी। सबसे पहले देखो मैं इधर की तरफ लिख रहा हूँ जिंक, आगे अपने आ जाएंगे पीट अप कर देंगे रिएक्शन इंडिकेटर। यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ Zn2+, तो मैंने तुम्हें बताया था जिसकी ऊपर चार्ज नहीं हो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, और इसका नंबर कितना है, नंबर देखना है और कुछ नहीं देखना अपने को। यहाँ पे कितना है 2+, तो इधर की तरफ लिख देता हूँ इसका कितना नंबर आ गया +2। आगे बात समझ में, तो देखो 0 से +2 हो रहा है, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग देखो नंबर इंक्रीज्ड हो रहे हैं या डिक्रीज्ड, नंबर इंक्रीज्ड हो रहे हैं। सो वी कैन से दी रिएक्शंस आर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपने, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कर दूँ Fe रिएक्शन इंडिकेटर, इधर की तरफ कर देंगे Fe2+। हाँ भाई इधर देखो कोई भी चार्ज नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। यहाँ पे देखो कितना नंबर है इसका 2+, इसका मतलब +2। नंबर देखो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग नंबर इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीजेस, नंबर क्या हो रहे हैं इंक्रीजेस, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशंस। एनी प्रॉब्लम्स? अब अपने करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं रिडक्शंस की। क्या हो जाएगा रिडक्शंस, सेम ऐसे ही लिखना है अपने को, कुछ भी चेंज नहीं करना। इंक्रीज की जगह क्या हो जाएगा डिक्रीज, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट आयन और मॉलिक्यूल इस क्या होगा भाई, डिक्रीजेस होगा या इंक्रीजेस, डिक्रीजेस। इसकॉल्ड रिडक्शंस। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा देखो भाई, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ तो कोई भी नंबर लेंगे, देखो अपने इधर मैं लिख दूँ Sn4+ कन्वर्टेड इनटू Sn2+, नंबर क्या हो रहे हैं डिक्रीज। वैसे आपको मैंने बताया था +4 का मतलब होता है लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, अब लॉस ऑफ 4 किस में कन्वर्ट हो गए, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब क्या हो गया, पहले 4 का लॉस था वो 2 में बदल गया, इलेक्ट्रॉन आए हैं या गए हैं।
इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आए हैं, इन हुए हैं, इनका मतलब क्या हो जाएगा रिडक्शंस, और अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट क्या हो गया, नंबर क्या हो रहा है डिक्रीज। यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया, इसको प्लस टू देखो किस में कन्वर्ट हो रहा है प्लस टू, प्लस फोर देखो किस में कन्वर्ट हो रहा है प्लस टू में, इसका मतलब क्या हो जाएगा रिडक्शंस। और एग्जाम्पल लेते हैं, देखो भी आई टू कन्वर्टेड इन टू टू आई माइनस, तो यहाँ पे देखो क्या है आई टू, कोई भी चार्ज नहीं है, मॉलिक्यूल सीधा क्या होता है जीरो, यहाँ पे क्या चार्ज है दिख रहा है माइनस वन, तो बताओ क्या हो जाएगा डिक्रीज हो रहे हैं नंबर या इंक्रीज, सीधा सीधा अपने को नंबर की तरफ देखना है। मैंने जीरो से यहाँ पे कहाँ पे ट्रांसफर किया माइनस वन में कन्वर्ट किया, इसका मतलब क्या हो जाएगा रिडक्शंस। एनी प्रॉब्लम, अपनों ने क्या कर लिया ऑक्सीडेशन रिडक्शंस को डिफाइन किया है बाय द ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। नंबर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है चार्ज ऑन एटम्स, आगे अपने इसको डिटेल से पढ़ेंगे। व्हाट इज द डिफाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा व्हाट इज ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, इट इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट आयन और मॉलिक्यूल इज इंक्रीजेस। आगे नेक्स्ट क्या आ जाएगा रिडक्शन, इट इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट आयन और मॉलिक्यूल इज डिक्रीजेस, इज कॉल्ड रिडक्शंस। एनी प्रॉब्लम, नेक्स्ट अपने बात करते हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ये टेबल यहीं पे पड़ी है क्योंकि ये तो काम आती रहेगी। आगे देखो अपने नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो भी सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट समझने से पहले एक मैं थोड़ा सा फॉर्मूला लेता हूं। देखो भी मान लो कोई ए है मेरे पास, ये एटम्स भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स भी, मान लो ए एटम्स है वो किससे रिएक्शन करते हैं किसी बी से। अब मान लो अपने पास क्या बन जाएगा, मान लो ए ने इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट किए और बी ने क्या किए उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, तो ए ने इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट किए तो ए किस में कन्वर्ट हो गया ए प्लस में, और बी ने यहाँ पे क्या किए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किए, यहाँ पे बी किस में कन्वर्ट हो जाएगा बी माइनस में। अब वी नो दैट ए कन्वर्टेड इनटू ए प्लस, इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट किए हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसको अपने बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और बी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, बी जीरो था माइनस वन में कन्वर्ट हो गया, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन, अब यहाँ पे देखो ये तो चलो अबाउट द रिएक्शंस, बट यहाँ पे जो सब्सटेंस है उनको क्या बोलेंगे, सब्सटेंस को अपने क्या यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज नॉट ए नेम ऑफ रिएक्शन, इट इज द सब्सटेंस ऑफ द रिएक्शन। सो वी कैन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट are substance of oxidation and reduction reactions. First of all, देखो यहाँ पे देखो A है यहाँ पे B है, अगर यहाँ पे अब मान लो A plus और B minus reaction करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बताता हूँ। यहाँ पे देखो A है यहाँ पे क्या करेगा इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट, A plus आ गया और कितने इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट किए यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन। अब मान लो बी है उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है एक्सेप्ट, किस में कन्वर्ट हो गया बी माइनस में। ध्यान से देखो इस चीज को, मैं कह रहा हूं अगर यहां पे ए इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं करता तो क्या बी यहां पे इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता। कहने का मतलब ये है यहां पे ए ने अपने इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट किए तो बी ने यहां से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया,
तो कहने का मतलब है जो बी की रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, बी रिड्यूस हो रहा है, वो किस रीजन से हो रहा है? क्योंकि ए ने इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट किया। आगे क्या मतलब, तो ए यहां पे क्या करता है, ए रिड्यूस टू अदर एंड ऑक्सीडाइज देमसेल्व्स। स्पीकिंग अगेन, ए इज रिड्यूस टू अदर एंड ऑक्सीडाइज देमसेल्व्स। कहने का मतलब साफ साफ है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, अब रिड्यूस करता है दूसरे को और खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। सो ए इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मैं कह रहा हूं अगर ये बी यहां पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता तो इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं माना जाता है यहां पे। आगे क्या बात समझ में, अगर यहां पे बी इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता तो ये वापस, मान लो ये क्या है, ये वापस इसके पास चला जाता है इलेक्ट्रॉन। आगे क्या बात समझ में, तो इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन कब होगा, जब बी यहां पे क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो बी यहां पे क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज टू अदर एंड रिड्यूस देमसेल्व्स। स्पीकिंग अगेन, द बी इज ऑक्सीडाइज टू अदर एंड रिड्यूस देमसेल्व्स। So we can say the B is in the reactions of substance, क्या हो जाएगा, reducing agent। Any problem यहां पर, B क्या हो जाएगा, reducing agent। Any problems? Speaking again, तो यहां पर अपने को define करना है first of all यहां पे ए को, इसको अपने क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एजेंट में देखो, जैसे एल आई सी एजेंट होता है, वो खुद का करता है क्या पॉलिसी, दूसरों का करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग, याद करने का तरीका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करने वाला। आगे क्या, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को क्या करने वाला, रिड्यूस करने वाला। आगे क्या बात समझ में, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अपने डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इलेक्ट्रॉन अब मुझे ये बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, यहां पे क्या कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है, इधर ये बी होगा और इधर ये ए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। दूसरी क्या बात होती है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। दूसरा क्या करता है, ऑक्सीडाइज टू अदर बट रिड्यूस देमसेल्व्स। तो क्या हो जाएगा, ऑक्स दीज सब्सटेंस oxidize to other reduce themselves। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पे क्या हो जाएगा, ए क्या कर रहा है, यहां पे ए क्या कर रहा है, इसको रिड्यूस कर रहा है और खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, इसको रिड्यूस कर रहा है। तो ए यहां पे क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, मैंने अपोजिट लिख दिया था उसका नाम, अब ये सही हो गया। बी क्या हो जाएगा, बी यहां पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट और दूसरी को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज।
तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दूसरी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बी इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे देखो अपने क्या आ जाएगा, दिस सब्सटेंस ऑक्सीडाइज टू अदर एंड रिड्यूस देम सेल्विस। नेक्स्ट अपने बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट इस क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन डोनर होता है या एक्सेप्टर, रिड्यूसिंग एजेंट इज इलेक्ट्रॉन डोनर। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, दीज सब्सटेंस रिड्यूस टू अदर रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस क्या करता है दूसरी को रिड्यूस करता है, रिड्यूस टू अदर एंड ऑक्सीडाइज देम सेल्विस। Reduce to other and oxidize themselves. It's called reducing agent. अब अपने next example लेते हैं, उससे समझेंगे। देखो भाई देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे जैसे सोडियम है, मान लो वो किससे रिएक्शन कर रहा है, क्लोरीन से, क्या बन जाएगा NaCN। बैलेंस कर लेंगे यहाँ पे क्लोरीन दो है, यहाँ पे सोडियम कितने आ जाएंगे दो, क्या बन जाएगा अपने पास 2NaCl। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे अलग करके लिख रहा हूँ, सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन का रिजेक्शन करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का, तो क्या आ जाएगा सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का रिजेक्शन कर लेगा Na प्लस, और प्लस में क्या आ जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस रिएक्शन को अपने बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये अब कितने सोडियम है यहाँ पे दो, तो इधर की तरफ सोडियम में कितने लगा दूंगा दो, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इधर की तरफ दो, और Na प्लस कितने बन गए आयन अपने पास दो। अब ये दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, अपने को पता है एक क्लोरीन एटॉमिक क्लोरीन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, Cl2 है मॉलिक्यूल है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा दो इलेक्ट्रॉन, इधर की तरफ क्या आ जाएगा 2Cl-। रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी रिडक्शन रिएक्शन। अब यहां पे देखो सोडियम है, अगर वो यहां पे इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं करता तो क्लोरीन एक्सेप्ट कैसे करता है, यहां पे आ गई बात समझ में, तो ये यहां पे सोडियम क्या कर रहा है, इसको रिड्यूस करने का काम कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पे 2Na क्या है, 2Na is reducing agent. यहां पे क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता तो इसका ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं होता, रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये इसको क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज और खुद क्या हो रहा है रिड्यूस, तो इसका मतलब यहां पे Cl2 क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देखो यहां पे क्लोरीन क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, दूसरी बात है दिस सब्सटेंस ऑक्सीडाइज टू अदर, तो ये क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज टू अदर एंड रिड्यूस देम सेल्विस। नेक्स्ट अपने आ जाएगा यहां पे Cl2, Cl2 क्या कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा अपने क्या आ जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहां पे सोडियम, सोडियम क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट, तो यहां पे क्या हो जाएगा
the reducing agent is electron donor. देखो electron को donate कर रहा है. Next अपनों ने लिखा है these substance reduce to other and oxidize themselves. तो क्या आ जाएगा, ये दूसरे को तो क्या कर रहा है, रिड्यूस, और खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज. तो ये अपना कंप्लीट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. एनी प्रॉब्लम, नेक्स्ट टॉपिक अपने पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करेंगे और उसके जनरल रूल पढ़ेंगे अपने. ओके बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम.